नमस्कार। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा के लिए आलाकमान के पास पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर मंत्रिमंडल को लेकर जो पेज फंस रहा है, क्योंकि 10 और लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, तो कौन कौन वो चेहरे होंगे इस पर अभी भी संशय बरकरार है। मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल, हाईकमान से करेंगे मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं भूपेश बघेल। तो मंत्रिमंडल को लेकर, पहले सीएम को लेकर पेज फंसा, अब मंत्रिमंडल को लेकर पेज फंसता हुआ नजर आ रहा है। किसको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, क्योंकि जो भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं कि जातिगत समीकरण के आधार पर हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, मंत्री बनाएंगे, तो साफ तौर पर यह भी देखना है, महिला देखना है, बाकी और भी जातिगत सीटें देखनी है, किस तरह से समीकरण को बांधने की कोशिश है। उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, मंत्री पद दिया जाएगा। तो मंत्रिमंडल बनाने को लेकर जो कश्मकश अभी चल रही है, उसी को मिटाने के लिए, उसी को हटाने के लिए आज भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हैं, आलाकमान से मुलाकात होगी, उसके बाद ही इस पर निर्धारित फैसला लिया जाएगा। तो साफ तौर पर कांग्रेस के पास कह सकते हैं, जीत के बाद जो असमंजस की स्थितियां बन रही थी, पहले सीएम को लेकर बनी कि सीएम किसे चुनना है, उसके लिए पार्टी आलाकमान के पास पहुंचे, चर्चा हुई, फिर सीएम का ऐलान हुआ। अब मामला अटक रहा है कि मंत्री किसे बनाना है, क्योंकि चेहरे कई हैं, नाम कई हैं, तो समस्या हो रही है। फिलहाल अनिल पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़ के। अनिल जी, साफ तौर पर देखा जाए तो पहले सीएम को लेकर, अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कश्मकश बनी हुई है, और क्या हो सकता है, कौन बड़े नेता शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, क्योंकि आज बैठक होनी है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत जो मिला है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला है, 68 सीटें उनको मिली है। अब 68 सीटों में पहले ही मुख्यमंत्री पद की ही जब रेस शुरू हुई तो उसमें 4 दावेदार हो गए थे, एक को लिया गया, बाकी 3 जो बच गए वो 3 कहीं ना कहीं उसमें से 2 मंत्रिमंडल में आ गए। कुल 13 मंत्री बनने हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर, यानी 3 तो पहले ही बन चुके हैं, बचे 10 हैं। 10 में अब आपको जो जातिगत समीकरण को भी देखना है, उसके अलावा वो भौगोलिक जो जो संतुलन है उसको बनाए रखना है, फिर आपको जो उद्देश्य है कांग्रेस का, जो नया जो सामने में उनके पास सामने में लक्ष्य है लोकसभा को जीतना है, तो संसदीय क्षेत्र को भी बना के रखना है। तो ऐसी स्थिति में जो है कांग्रेस के लिए बहुत कठिन है, और ये भौगोलिक दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ है वो छोटा प्रदेश जरूर कहते हैं, मध्य प्रदेश से कूट कर अलग हुआ तो, लेकिन ये तमिलनाडु वगैरह से बहुत बड़ा है। अकेला जो बस्तर, जो अविभाजित बस्तर जिला था वो केरल राज्य से बड़ा था, और यहाँ मात्र 10-11 संसदीय सीट है और 90 विधानसभा सीट है, और मंत्रिमंडल में 15% का जो कोटा है उसके हिसाब से 13 ही जो है मंत्री बनते हैं। तो आपको ऐसे समय में 68 में से 13 चुनना बहुत कठिन काम है भूपेश बघेल के लिए। फिर जो 7 या 8 तो मंत्री जो पहले रह चुके हैं वो ही आ गए हैं, सत्यनारायण शर्मा है, रविंद्र चौबे है, धनेंद्र साहू है, मोहम्मद अकबर है, अमितेश शुक्ल है, मनोज भंडावी है, तो ये मंत्री तो पहले से ही है, और उसके अलावा इनमें से फिर आपको महिला मंत्री भी लेना है। तो देखिए, जातिगत समीकरण को भी अगर साधना है तो उनको जो 10 में से 9 सीटें जो है अनुसूचित जाति वर्ग की जो आरक्षित सीटें थी उसमें कांग्रेस को मिली है, 1 जो है वो बसपा को, भाजपा का अनुसूचित अनुसूचित जाति सीटों पर से सूबा 7 है, वैसे ही 28 सीटें जो है आदिवासियों ने भी दी है, जनजाति ने, तो उनको भी आपको प्राथमिकता देना है। समस्या ऐसा लगता है भूपेश बघेल जो अपने स्वभाव के अनुसार बहुत आक्रामक हैं और थोड़ा बोल्ड फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो संतुलन बनाकर जो है वो मंत्रिमंडल का चयन कर लेंगे, और जो जैसी कांग्रेस की परंपरा है अंतिम निर्णय तो दिल्ली से ही होना है। जी नहीं, आक्रामक रुख की बात करी तो मुझे अजीत जोगी की बात याद आ गई, अजीत जोगी के जो कांड पूरा याद आ गया कि आक्रामक रुख के जरिए ही वो हुआ था। जी जी, तो अजीत जोगी और इनमें फर्क है, अजीत जोगी भी बहुत तेज तर्रार थे, और अजीत जोगी को उस समय जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई थी, सोनिया गांधी का नेतृत्व था उस समय बड़े बड़े जो यहाँ पर दिग्गज थे, विद्याचरण शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला,
उनके रहते खुद दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी पसंद ना होते हुए भी अजीत जोगी को जो है बनाया गया, लेकिन किसी ने चू नहीं किया था। तो वो समय और दौर कुछ और था, लेकिन आज की स्थिति जो है बदली हुई है। आज जो है मुख्यमंत्री के लिए देखिए, उनके साथ जो है पूरे 5 साल जो है कंधे से कंधा मिला के जो काम किया था टीएस सीधे ने, वो खुद उनके सामने में दावेदार बन के खड़े हो गए थे। फिर ताम्रध्वज साहू है जो मोतीलाल वोरा जी की पहचान है, मोतीलाल वोरा यही है, मोतीलाल वोरा जी के भी पुत्र जीत कर आ गए हैं, तो वो भी है। तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण जो है 4 या 5 दावेदार हो जाते हैं। तो ये कितना भी आप जाति संतुलन को अगर बनाने की कोशिश करें तो भी कठिन दिखता है। 11 अगर संसदीय क्षेत्रों से, अगर 11 एक एक संसदीय क्षेत्र से ले तो बड़े बड़े दिग्गज कटते दिखते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके जो घोषणाएं हैं बड़ी बड़ी है और लक्ष्य भी बड़े बड़े हैं। आपको 11 सीटें जीतने का लक्ष्य है लोकसभा की, और घोषणाएं आपने ऐसी बड़ी बड़ी कर दी है कि यहाँ पर अब आपको जो है बहुत कसा हुआ प्रशासनिक क्षमता वाला ही नेतृत्व काम आएगा, और मंत्री ऐसे ही होंगे जो योग्य होंगे, वरिष्ठ होंगे, उसके अलावा जो है विश्वसनीय होंगे। अन्यथा जो भाजपा सरकार में कुछ एक मंत्री तो जो है जो शो पीस वाली बात इस मंत्रिमंडल में नहीं देखने को मिलेगी। जी, लेकिन अगर बात की जाए अनिल जी, तो साफ तौर पर गुटबाजी की जो खबरें भी आती हैं वो कांग्रेस के खेमे से ज्यादा आती हैं। होती दोनों पार्टियों में गुटबाजी, बीजेपी में, कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस से खबरें ज्यादा आती है। तो क्या लगता है कि अगर यहां मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार होता है तो स्थितियां फिर गुटबाजी जैसी तो नहीं हो जाएंगी कि आने वाले चुनाव में फिर स्थितियां गड़बड़ हो जाए? आपका सवाल जायज है। कांग्रेस गुटबाजी जो है कांग्रेस की परंपरा है और वो उनका आभूषण भी है, वो लड़ते भी है, झगड़ते भी है, साफ दिखता भी है। भाजपा के अंदर की गुटबाजी दिखती नहीं है, होती जरूर है, लेकिन वहां अनुशासन का डंडा रहता है। बड़े बड़े जो दिग्गज है जैसे मदनलाल खुराना हुए, उमा भारती हुए, इनको जब जिस तरीके से रास्ता दिखाया जाता है तो वो यहाँ पर थोड़ा भाजपा में घबराहट ज्यादा होती है। और दूसरी बात, कांग्रेस में जो है खुल के जरूर बोलते हैं, लेकिन इस बार जो है 68 जो सीटें मिली है भाजपा को वो बहुत बड़ा बहुमत है। उसमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई भूपेश बघेल को दिक्कत जाएगी। गुटबाजी करेंगे भी 3-4-5 लोग अगर गुट भी बनाते हैं तो उनकी नाराजगी का बहुत फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा बहुमत है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी। सातकर जी, सीएम भूपेश बघेल ने अपने 4 सलाहकारों की नियुक्ति की है। इनमें 2 सलाहकार मीडिया से जुड़े हो रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के लिए गुरुवार शाम दिल्ली रवाना होने हो गए हैं। उसके पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन नियुक्तियों पर मुहर लगाई। इनमें 2 पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा को राजनीतिक और रुचिर गर्ग को मीडिया सलाहकार बनाया गया है, जबकि कांकेर से कांग्रेस नेता राजेश तिवारी को संसदीय सलाहकार और प्रदीप शर्मा को योजना, नीति, कृषि और ग्रामीण विकास के मामलों का सलाहकार बनाया गया है। आपको बता दें कि राज्य में पहली बार मीडिया और राजनीतिक सलाहकार बनाए गए हैं, जिनमें से विनोद वर्मा कई बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। वे रायपुर से लेकर दिल्ली और बीबीसी लंदन में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। विनोद वर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण विशेषज्ञ भी रहे हैं। विनोद वर्मा पिछले साल में तब सुर्खियों में आए थे जब पूर्व मंत्री राजेश मूढ़त के कथित अश्लील सीडी के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया था। बात अगर रुचिर गर्ग की करें तो वे विधानसभा चुनाव से पहले पत्रकारिता छोड़ कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य बने हैं। वे रायपुर के प्रमुख अखबारों के संपादक के साथ न्यूज चैनलों के प्रमुख और एडिटर्स गिल्ड के सदस्य भी रहे। इन दोनों को ही सीएम भूपेश बघेल का करीबी माना जाता है। इन चारों के सलाहकारों को विशेष सचिव स्तर की सुविधाएं और 1,20,000 रुपए वेतन का पात्रता दिया जाएगा। आपको बता दें कि रमन सरकार में भी 3 सलाहकार रहे थे। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद पुरानी सरकार के मंत्रियों के बंगलों को खाली करने का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री जो बंगले में हैं वो खाली करते वक्त शायद कुछ चीजें भूल गए हैं, तभी तो खाली हो चुके बंगले में देश के पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लावारिस रखी हुई है, जिनके नाम से भाजपा देश के ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी ख्याति बढ़ाने में मदद मिली है। उन्हीं मोदी की तस्वीर छत्तीसगढ़ की सरकार के पंचायत और ग्रामीण मंत्री रहे अजय चंद्राकर बंगले में छोड़ गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के चंद जीते हुए विधायकों में से एक हैं, लेकिन सरकार गई और अब वे मंत्री नहीं रहे, लिहाजा बंगला खाली करना था तो अजय चंद्राकर अपना सभी जरूरी सामान तो ले गए, लेकिन पूर्व मंत्री बंगला खाली करते समय अपना सारा सामान, महत्वपूर्ण सामान तो ले गए लेकिन पीएम मोदी की तस्वीर यहीं छोड़ गए, जो शायद
उसके उनके किसी प्रशंसक ने अजय चंद्राकर को भेंट की होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को पत्र जारी कर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भारत निर्वाचन आयोग प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी है। साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह हल चलता किसान पार्टी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। आयोग ने इस विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता दी है। क्षेत्रीय मान्यता दिए जाने पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी ने कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है। अविभाजित मध्य प्रदेश से साल 1936 से चुनाव होते आ रहे हैं। इस बीच कई बड़े नेताओं ने क्षेत्रीय दल बनने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो सका। इस चुनाव में जनता कांग्रेस 5 सीटें जीतने में सफल रही। साथ ही महागठबंधन ने प्रदेश में करीब 14% वोट शेयर हासिल किया। इसी प्रदर्शन के चलते जनता कांग्रेस को क्षेत्रीय दल को चुनाव आयोग ने जनता कांग्रेस का क्षेत्रीय दल की मान्यता दी है। इसके साथ ही अजय जोगी ने लोकसभा चुनाव भी लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आगे से छत्तीसगढ़ में जो भी चुनाव होंगे उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वे जनता कांग्रेस से कांग्रेस शब्द हटाने पर भी विचार कर रहे हैं। अजय जोगी की पार्टी को निर्वाचन आयोग की तरफ से क्षेत्रीय दल की मान्यता मिल गई है। उसके बाद अजय जोगी ने कहा कि हमारी पार्टी हम आगे बढ़ाएंगे, हर एक चुनाव में भागीदारी तय करेंगे और साथ ही साथ जो इसमें कांग्रेस शब्द जुड़ा हुआ है इसको हटाने पर भी हम विचार कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे गठबंधन को बात की जाए तो 14% वोट मिले हैं, 5 सीटें हमने जीती हैं। अभी शुरुआत है, प्रदर्शन और होगा और आने वाले चुनावों में भी हम भागीदारी तय करेंगे, अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे और क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। करेंगे चुनाव आयोग का प्रावधान है कि आंशिक परिवर्तन नाम में किया जा सकता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे और चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे कि कांग्रेस शब्द को हमारी पार्टी के नाम से हटा दिया जाए, कोई नया नाम उसकी जगह कांग्रेस की जगह रख देंगे, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। धीरे धीरे हमारी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लोग जोगी कांग्रेस कहने लगे और जोगी कांग्रेस और कांग्रेस में एक रूपता दिखने लगी लोगों को कि जोगी तो कांग्रेस में थे और जोगी कांग्रेस मतलब कांग्रेस। संभाग मुख्यालय जगदलपुर से भोपाल पटम जा रही यात्री बस शुक्रवार को सुबह बस्तानापुर घाट में पलट गई, जिसमें बस में सवार दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बस में सवार कुल 7 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। कोडेनार TI दिलेश्वर चंद्रवंशी ने बताया कि सुबह लगभग 5 बजे जगदलपुर से भोपाल पट्टनम के लिए रवाना हुई थी। शिवम ट्रेवल्स की बस क्रमांक CG17F03636 बजे के करीब बस्तानार घाट में CRPF कैंप के समीप मोड़ पर कोहरे की वजह से सड़क न दिखने की से पलट गई। कोडा गांव में जैविक खाद व्यवसाय के नाम पर ठगी एक का एक मामला सामने आया है। मामला फरस गांव थाने के डोकी खरगांव का है, जहां गोवर्धन मरकाम नाम के एक व्यक्ति ने फरस गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मध्य प्रदेश के जिला देवास के निवासी राजेश सोनी ने जैविक खाद से व्यवसाय के नाम पर विभिन्न प्रलोभनों के साथ साथ व्यवसाय शुरू करने के लिए किस्तों में 1.5 लाख रुपए
पांच अलग अलग नामों के बैंक अकाउंट में डलवाकर जमा करा लिए। रकम पूरा जमा करने के बाद राजेश सोनी गोवर्धन को न कोई खाद सप्लाई किया, न ही कोई रकम लौटाई। थक हार कर गोवर्धन ने पुलिस का सहारा लिया और एक साल बाद पुलिस को साइबर सेल की मदद से आरोपी राजेश सोनी को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। पूछताछ के दौरान आरोपी ने फर्जी कृष्णा बायोटेक कंपनी के नाम पर ठगी करने के गुनाह कबूल कर लिया है। परसगांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है। गरियाबंद से खबर दिखाए जाने के 12 दिन बाद जिला प्रशासन आखिरकार आज जाग गया और 12 दिन पहले हमने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के गोद ग्राम कुल्हाड़ी घाट के विशेष पिछड़ी संरक्षित जनजाति कुमार जनजाति के लोगों को काम नहीं मिलने के कारण पलायन करने की खबर दिखाई थी, जिसमें हमने 137 लोगों की सूची भी दिखाई थी जो गांव छोड़कर पलायन कर गए। लगातार इन्हें वहां प्रताड़ित करने और बंधक बनाने की खबरें आ रही थी, किंतु गरियाबंद जिला प्रशासन की नींद 12 दिन बाद टूटी, या ये कहें कि इनके जिले के लोग कहां बंधक बनाए गए हैं इसे पता लगाने में एक दल बनाकर रवाना करने में जिला प्रशासन को 12 दिन लग गए। आज बड़ी मुश्किल से दोपहर तक दल को रवाना किया जा रहा है। इस दल में मैनपुर के तहसीलदार के साथ श्रम विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग के कुल 7 कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं, जो तेलंगाना जाकर वहां के पैदापल्ली में बंधक बनाए गए गरियाबंद जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति कुमार जनजाति के भोले भाले लोगों को छुड़ाकर लाने की जवाबदारी इन्हें दी गई है। जो भी हो, लेकिन इस कार्य में हुई लेट लतीफी गरियाबंद में चर्चा का विषय है। खासकर मैनपुरी क्षेत्र में लोगों का कहना है कि न जाने क्यों प्रशासन इतने दिन से इस विषय पर गंभीरता नहीं दिखा रहा था। प्रशासन की लेट लतीफी कहीं बंधक बनाए गए मजदूरों को भारी न पड़ जाए, किसी के साथ लेट किए गए 10 से 12 दिनों में वहां कोई अनहोनी घटना न हुई हो, इसे लेकर यहां के लोगों को तरह तरह की आशंकाएं सता रही हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो बात कह रहे हैं वह भी वास्तविकता काफी दूर है। जहां पलायन की खबर हमने दिखाई थी, लोग कैसे साफ कह रहे हैं कि काम नहीं मिलने के कारण कुल्हाड़ी घाट के लोगों ने पलायन किया, किंतु अधिकारी इसके उलट कह रहे हैं कि वहां काम उपलब्ध होने के बावजूद न जाने क्यों लोग पलायन कर रहे हैं। जबकि यह साफ है कि पलायन की खबर दिखाए जाने के बाद उस गांव में मनरेगा के कार्य प्रारंभ किए गए। कुल मिलाकर प्रशासन और बंधक बनाए जाने के बावजूद काफी गंभीरता से इस विषय पर मुश्किल से प्रारंभ किया है काम, लेकिन अभी भी गलती मानने को प्रशासन तैयार नहीं है।